वेलकम टू माय चैनल, दिस इज माय फक्की। ये मेरा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे। इस चैनल पे आपको देखने में लगा बहुत सारे व्लॉग्स, पेट्स व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग और बहुत कुछ। जैसे कि आज के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में क्या होने वाला है। मैं आज आपको कराने वाला मेरे एक्वेरियम का रूम टूर, तो मिलते हैं वीडियो में। अब हमारे मेन एक्वेरियम की तरफ, जो कि फर्स्ट एक्वेरियम है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डिस्कस है, अबाउट 23 to 24 है। और इसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेन के, जैसे कि रेड मेलन हो गया, कोबाल्ट ब्लू हो गया, ब्लू डायमंड डिस्कस हो गया, और वो रेड मैप हो गया, चेकर बोर्ड डिस्कस, बहुत डिफरेंट स्नो वाइट भी है इसमें, और बहुत अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेन के डिस्कस डाले इसमें, और दो जियोफेगस फिश भी हमने इसमें डाला है, और उसके बाद दो गोल्डन एल्गी ईटर भी है, क्योंकि इसमें हमने प्लांटेशन, मतलब थोड़ा सा ड्रिफ्ट फूट लगा के उसमें प्लांट्स के लिए जो एल्गी क्लीनिंग के लिए एल्गी ईटर डाला है। और उसके बाद देखते हैं, हम अभी हमारा स्पॉन्ज फिल्टर डाला है वाटर फिल्ट्रेशन के लिए। ये नॉर्मल वाला स्पॉन्ज फिल्टर है, और मेन सम भी हमने साइड में दिया है इस टैंक के, और इसमें दो हीटर हमने लगाया है, और इस पानी का टेम्परेचर देखने के लिए थर्मामीटर भी है यहाँ पे, और ज्यादातर हम 30 डिग्री प्रीफर करते हैं डिस्कस के लिए। और इधर साइड में एक ब्रीडिंग के लिए एक ब्रीडिंग सेटअप किया थोड़ा सा, जिसमें अगर कोई डिस्कस का पेयर हो गया तो वो ब्रीड कर सके और उस पर एग ले कर सके, और उसके बाद हम वो पेयर को डिफरेंट सेटअप में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया हमारे एक फर्स्ट टैंक की तरफ। अभी हम देखते हैं हमारा दूसरा टैंक। ये हमारा सेकंड टैंक, जो कि एक प्लांटेड एक्वेरियम है। इसे मैं सबसे पहले आपको इसके प्लांटेशन के बारे में बताता हूँ। नीचे हमने सबसे पहले इसे यूज किया, एकदम फाइन सैंड यूज किया, और उसके बाद फर्टिलाइजर, और उसके ऊपर मेन कोर्स में इसमें हमने डाला है अमेजोन सॉल्ट डाला है, और ऊपर से इसमें ग्रीन कलर के ग्रेवल्स डाले, ताकि लुक थोड़ा ब्लैक से डिफरेंट आए, क्योंकि अमेजोन सॉल्ट का नॉर्मली ब्लैक कलर होता है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ड्रिफ्ट वुड डाला है, ड्रिफ्ट फूड पे थोड़े से प्लांट्स, ड्रिफ्ट फूड के प्लांट्स लगाए हुए इस पे, और बाकी भी इधर दूसरे प्लांट्स लगाए हुए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अभी हमारे फिशेस की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हमने डाला है इसमें अबाउट 24 समथिंग इसमें रमिनोस टेट्रा वराइटीज हमने टैंक में ज्यादातर रखा है, और उसके बाद 6 to 7 इसमें कार्डिनल टेट्रा है, और गप्पी वैरायटीज भी अभी रिसेंटली हमने इसमें ऐड किया है, और उसके बाद एक बेटा फिश भी है पीछे, और इसका भी सेम फिल्ट्रेशन सम फिल्टर दिया है हमने साइड में। इस फिल्ट्रेशन टॉपिक पर हम बाद में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। और इसमें हमने कोरिडोराज भी डाले, 2 to 3 पीस कोरिडोरा है, और इसके मैं ये प्लांटेशन के कुछ क्लिप्स वीडियोज आपको इसके आगे बताता हूं, वो भी देख लीजिए। बढ़ते हैं अब हमारे थर्ड टैंक की तरफ, जो कि एक रेजिंग टैंक है। ये डिस्कस 29 समथिंग डिस्कस है, ये कोबाल्ट ब्लू डिस्कस है। इसे हमने थंबनेल साइज में लेके आए थे, और जो कि ये अब 3 to 3.5 inches तक हो चुके हैं। ये डिस्कस हम सेल करते हैं रेजिंग करके, तो अगर किसी को बाय करना होगा तो प्लीज इंस्टाग्राम पे DM कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं अभी इसमें फिल्टर इसमें स्पॉन्ज फिल्टर बीच में हमने लगाया है। स्पॉन्ज फिल्टर सबसे बेस्ट होता है, मेरे को तो सबसे, मतलब अच्छा लगता है स्पॉन्ज फिल्टर,
और उसके बाद हमने इसमें सम फिल्टर नहीं दिए, इसमें हमने एक टॉप फिल्टर दिया है और एक थर्मामीटर भी था टेम्परेचर देखने के लिए। डिस्कस का सबसे मेन है क्या, फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए आपके टैंक का डिस्कस, उससे ही ग्रोथ उनकी फास्ट होती है। और फीडिंग तो है ही, फीडिंग में मेरे डिस्कस को GHM और टेट्राबाइट्स देता हूँ। तो ये थे हमारे अभी मेन इधर के सेटअप, और अभी दो एक्वेरियम आपको बताता हूँ। हमारा फोर्थ एक्वेरियम, ये भी एक रेजिंग एक्वेरियम ही है, इसमें हमने रेड मैप डिस्कस डाला है जो 12 है क्वांटिटी में, और इसे भी हम सेल करते तो DM कर सकते जिसे बाय करना होगा। और इसमें अभी हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, इसमें हमने दो फिल्ट्रेशन डाला है, स्पॉन्ज फिल्टर डाला है और एक हीटर भी पीछे लगा है, हीटर बहुत नेसेसरी है डिस्कस के लिए। और ये जो डिस्कस अभी मैंने आपको रेजिंग के बताया, इसके जब लेके आए थे वो वीडियोस भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये जो टैंक एक्वेरियम है, इसमें पहले प्लांटेशन था, तो वो भी वीडियोस में आगे क्लिप डाल देता हूँ, वो भी देख लीजिए। देखते हैं अब हमारे फिफ्थ एक्वेरियम, जो कि एक रेजिंग एक्वेरियम ही है, इसमें हमने ब्लू डायमंड स्ट्रेन के डिस्कस डाले हुए, ये भी हमने 1 इंच के लेके आए, सॉरी थंबनेल साइज के लेके आए थे, और अभी ये भी 3 इंच के हो चुके हैं, ये 16 है क्वांटिटी में। अब इसे मैं आपको जूम करके बताता हूँ, और इस टैंक के फिल्ट्रेशन की भी बात करेंगे तो इसमें भी दो स्पॉन्ज फिल्टर ही है और हीटर भी लगा हुआ है। और मेन चीज इस सब डिस्कस टैंक के होते कि वाटर चेंज बहुत नेसेसरी है, दिन में 2 टाइम्स वाटर चेंज करना पड़ता है डिस्कस का, जिससे कि आपके फिश हेल्दी और एकदम फास्ट ग्रोथ होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई कुछ भी इस वीडियो में आपको मिस्टेक लगी होगी वॉइस क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी या कुछ भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम उसे इम्प्रूव कर पाए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।